हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब देखें क्या बनता है, क्योंकि फ्रेंड जो सुन है उसको सेवता के बारे में कुछ नहीं पता कि वो इमर की वाइफ है। और फ्रेंड जो सेवता है वो इमर से कह रही है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। लेकिन अब देखें फ्रेंड्स, इमर ने जो इफ्सन को कुछ नहीं बताया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और फ्रेंड जो इफ्सन है अब वहाँ से यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन करके सबको गुड बाय कह दी, क्योंकि फ्रेंड्स इफ्सन वापस जा रही है। हो सकता है कि फ्रेंड उसको ये पता लग जाए कि जो सेवता है वो कोई और नहीं है बल्कि इमर की वाइफ है। और उसके बाद अगर फ्रेंड उसे खुद से सब कुछ पता लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होगी कि इमर ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है स्टोरी में, और जो इमर और इफ्सन उसका क्या बनेगा, और जो इमर है वो इफ्सन को यहाँ से कैसे जाने देगा, क्योंकि फ्रेंड जो इफ्सन है वो जा रही है वापस, क्योंकि फ्रेंड उसके जो फादर है वो उसको यहाँ पे अब और नहीं रहने देंगे और उसको इसीलिए माफ़ करेंगे अगर उसके साथ वो वापस आने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इमर और इफ्सन का रिलेशनशिप किस हद तक जाता है, क्योंकि फ्रेंड जो इमर है उसकी वाइफ अब देखें अगर डिवोर्स नहीं होती इन दोनों के दरमियान, फ्रेंड इफ्सन है उसको पता लग जाता है उसके बारे में, तो फिर देखें सब कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इमर और इफ्सन का देखें फ्रेंड्स फिर क्या बनता है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इमर और इफ्सन देखें कब तक सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं और कन्फेस करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। होप करते हैं कि फ्रेंड दोनों जल्द से जल्द सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं और इन दोनों के दरमियान अब कोई भी न्यूट्रल बल ना आए और जो सेवता है उसको इन दोनों की लाइफ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब देखें फ्रेंड जो सेवता हो सकते हैं कि अपना माइंड चेंज करें, लेकिन फ्रेंड जो इमर है वाइफ सुन को इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देगा। तो देखिए फ्रेंड्स वो क्या करते हैं और क्या बनता है नेक्स्ट स्टोरी में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आएगी। इमर और इफ सुन एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज होंगे। होप करते हैं कि फ्रेंड इफ सुन ना जाए, क्योंकि वो भी यहाँ पर रहना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, लव यू।